पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के 5 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 2 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि गांव सैदपुरा उच्चैन में साहब सिंह कुशवाहा और महेंद्र सिंह कुशवाहा पक्षों के बीच दीवार बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। 24 जून 2018 को साहब सिंह अपने घर के दरवाजे के पास तो रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचा और सोते हुए साहब सिंह पर लोहे के पाइप से बेरहमे से ताबड़तोड़ कई वार किए। साहब सिंह की चीख पकार सुनकर घर के अंदर सोई उसकी पत्नी लक्ष्मी बाहर निकली और शोर मचाया। इस पर पड़ोस में रहने वाला साहब सिंह का भाई हाकिम आ गया, जिन्हें देख आरोपी महेंद्र सिंह मौके से भाग गया। घायल साहब सिंह को परिजन RBM अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर साहब सिंह के भाई हाकिम सिंह ने आरोपी महेंद्र सिंह के खिलाफ उच्चैन थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 14 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद ADJ संख्या 2 संतोष अग्रवाल ने आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र हरि सिंह को IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 5 साल पुराने प्रकरण में सरकार महेंद्र के नाम से जो न्यायालय श्रीमान ADJ साहब बयाना क्या चल रहा था, उसमें कल हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला एक दीवाल के विवाद पर था, पुरानी रंजिश थी जिसके तहत महेंद्र सिंह ने हत्या का अपराध कारित किया, जिसमें उसको आजीवन कारावास और अर्थदंड के रूप में 50,000 की सजा सुनाई।